हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड योर मैम इज आल्सो फाइन। थॉट ऑफ द डे, लाइफ डज नॉट फॉरगिव वीकनेस, मतलब जीवन निर्बलता को क्षमा नहीं करता है। टुडे योर ड्राइंग डे। डियर स्टूडेंट, ओपन योर ड्राइंग कॉपी। First of all, mention your name, mention SW and mention date. Today is 9 January 2021. Next, write, draw a purse. Alphabet M. Okay, start करते हैं अब हम लोग। Start करते हैं, scale लेते हैं। अब हम लोग 0 to 7 एक row draw करेंगे। इस तरह से गैप करेंगे, फिर 0 to 7। नेक्स्ट, अब हम इस तरह से 5, 0 to 5। ओके, नेक्स्ट रो 0 to 5। इस तरह से देखिए हमारा अल्फाबेट एम जो है, देखिए रेडी हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ऊपर भी हम लोग क्लोज कर देंगे इस तरह से, और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से देखिए, ये है ना, इस तरह से सेकंड रो, ये देखिए हमारा हैंड पर्स जो है, सॉरी हमारा पर्स जो है वो ड्रॉ हो गया। अब हम इसको मैनी कलर से कलर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, कलर लेने हैं ना। चलिए चलिए, अब हम जो सर्कल है उसको येलो कलर से कलर करेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से कलर करिएगा आप लोग भी। देखिए इस तरह से, अब नेक्स्ट कलर पर्पल कलर है ना। अब हम इसकी जो ये हमने हैंड का बनाया ना, इसको पर्स आप लोग ने देखा होगा ना, ये शोल्डर पे टांगते हैं ना, इसको कैरी करते हैं शोल्डर पे। ये देखिए आराम से एक साइड से कलर करिएगा, ठीक है, और कलर को बाहर नहीं आउट करना है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। बेस भी नहीं शो होना चाहिए, है ना, मैंने आपको बताया ना। देखिए इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अब हम डार्क ग्रीन लेंगे, है ना। देखिए डार्क ग्रीन कलर लिया हमने, अब इसको एक साइड से कलर करना स्टार्ट किया। आप लोग भी इसी तरह से एक साइड से ही कलर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से अच्छे से कलर करना है। देखिए इस तरह से, है ना, एक साइड से जब कलर करते हैं तो कलर जो है अच्छा दिखता है ना, जो भी पिक्चर को हम लोग कलर करते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग कौन सा कलर लेंगे, अब हम लोग रेड कलर लेंगे। रेड कलर से देखिए एक साइड से कलर मैंने स्टार्ट किया है, जब एक साइड कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोग भी दूसरे साइड करिएगा। देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने ड्रॉ किया था उसी तरह से कलर भी करिए। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से रेड कलर जो है हमको इस तरह से कलर करना है। ये देखिए इजी है ना, अल्फाबेट एम से हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, पर्स। और इससे पहले हम लोगों ने कौन से अल्फाबेट से क्या सीखा था, अल्फाबेट एल से स्नेल, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको मैं अल्फाबेट एम से कुछ न्यू ड्रॉ करने बताऊंगी। ओके, आप लोग भी इसी तरह से ड्रॉ किया करिए, क्योंकि बहुत इजी है ना। मैंने आपको नंबर से भी बताए हैं ड्रॉ करना, अब मैं आपको अल्फाबेट से ड्रॉ करना बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कलर करेंगे, आउट नहीं होने देना ना कलर,
और उसका बेस भी वाइट जो है शो नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम आउटलाइन करने के लिए क्या लेंगे, ब्लैक स्केच। जिस तरह से हम लोग ने ड्रॉ किया था उसी तरह से अब हम लोग इसको आउटलाइन करेंगे। इस तरह से देखिए ब्लैक स्केच से, ये सेकेंड वाली देखिए रो, फिर साइड की रो, ये अब ये इस तरह से देखिए इसको भी आउटलाइन करेंगे जिस तरह से आउटलाइन किया था ना, अभी इसी तरह से आउटलाइन करना है सर्कल को भी। अब इसकी हैंडल जो है ना, अच्छे से आराम से आउटलाइन करिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से, सेकेंड वाली भी फिर, देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा जो पर्स है वो देखिए रेडी हो गया ना। आज हम लोगों ने किस अल्फाबेट से पर्स सीखा, अल्फाबेट एम से, है ना। ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं लग रहा आउटलाइन करने के बाद? आप लोग भी आउटलाइन करिएगा। ओके, थैंक यू।